जी हाँ, नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका इस मौसम न्यूज़ चैनल में नई वीडियो के साथ। भयंकर बारिश और तूफान, कहाँ हो सकती है बारिश और कहाँ आ सकता है तूफान। मौसम की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देख लीजिए, और वहीं अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहीं संपूर्ण भारत का मौसम का पूर्वानुमान, सबसे पहले हम बात करेंगे पूरे भारत में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम का पूर्वानुमान। कहाँ हो सकती है बारिश, कहाँ आएगा तूफान। आगामी 24 घंटों के मौसम का पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की तीव्रता में भारी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर बारिश होने के आसार है। उसी के साथ तेलंगाना, ऊपरी असम के कुछ स्थानों पर गर्ज के साथ हल्की बौछारें भी पड़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों गंगा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटीय भागों, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उसी के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भागों में सुबह के समय एक दो स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। तो दोस्तों, ये है आने वाले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अब बात करेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान घटित मौसमी गतिविधियों के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी भागों, दक्षिणी झारखंड, गंगा, पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के और बादलों की गर्जना के साथ मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश देखने को मिली है। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिली है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, विदर्भ, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल के कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं उत्तराखंड के पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक दो स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिला। ये था पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम जो घटित हुआ। अब बात करेंगे आने वाले कुछ समय में किस प्रकार के मौसमी सिस्टम पूरे भारत को प्रभावित कर सकते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे उत्तरी जम्मू कश्मीर के पास पहुंचा है। एक प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है और यह दोनों सिस्टम पूर्वी दिशा से आगे बढ़ रहा है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उससे सटे भागों पर बना हुआ है और साथ ही एक चक्रवाती सिस्टम असम के मध्य भागों पर भी दिखाई दे रहा है। एक ऊपरी ट्रफ उत्तरी छत्तीसगढ़ से झारखंड तक और एक ट्रफ विदर्भ के उत्तरी तमिलनाडु तक बना हुआ है। दक्षिण भारत में केरल के तट पर अरब सागर में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित है। तो ये तीनों सिस्टम आने वाले समय में पूरे भारत में जबरदस्त तबाही बचा सकते हैं, जिसके कारण बारिश, बर्फबारी और तूफान आने की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। तो ये था पूरे भारत का मौसम पूर्वानुमान। इसी तरह मौसम की जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखना ना भूलें, जिससे कि आपके राज्य की मौसम की जानकारी समय तक आप तक पहुंचाई जा सके।